सबसे पहले क्या है, श्रवण करना है। भगवान कहते हैं मुझसे सुनो, मतलब जब तक आप जीवन में श्रवण नहीं करोगे ना, तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते, भले कुछ भी करो। आपको पता होगा सारा कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए, गलत कार्य नहीं करने चाहिए, सुबह को उठना चाहिए, कितना भी पता होगा, लेकिन जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे ना, तब तक फॉलो। कोई कोई लोग बोलते हैं ना ऐसा कि भाई हमको तो ये सारी बातें खबर है, फिर सत्संग में जाने की क्या जरूरत है, कथा सुनने की क्या जरूरत है, घर पे बैठ के माला करो, है ना, माला ही करनी है, वहां पर जाके भी तो ये बोलेंगे भाई माला करो, तो फिर श्रवण करने का क्या लाभ है। लेकिन इसका उत्तर है, जब आप श्रवण करना बंद कर दोगे ना, आपकी भक्ति बंद हो जाएगी। प्रैक्टिकल है, सबका करके देख लो, जैसे जैसे हम श्रवण करना छोड़ते हैं ना, वैसे वैसे हमारी साधना कम होती जाती है और कम होते होते खत्म हो जाती है। इसलिए जीवन में श्रवण के लिए हमेशा समय निकालना चाहिए, ये पहला स्टेप है। और अगर आप किसी जगह पे चढ़ रहे हो, पहला जो बेस है, बुनियाद निकाल दोगे ना, तो टस नीचे गिर जाओगे। ये बुनियाद है भक्ति की। तो श्रवण करना चाहिए, किससे, शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए।